प्रश्न पांच करेंगे। दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर हैं, यानी कि जो हमें यहाँ पे दी गई है इसकी इसके अंदर दो कोण बने हुए हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, समानांतर हैं। कोण ए बी सी 70 डिग्री है ये वाला कोण, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक हमें ज्ञात करना है डी जी और सी, यहाँ पे हमारा आ रहा है जी, तो हमें कोण डी जी सी ये ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें, और एक कोण डी ई एफ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री है, ये हमारा है 70 डिग्री, क्योंकि ए बी समानांतर है ई डी के, ठीक है, और बी सी इसके ऊपर क्या है, एक त्रिछेदी रेखा है, ये दोनों क्या है, एक ईडी और ए बी जो है समानांतर रेखा है, और उसके ऊपर जो बी सी है वो त्रिछेदी रेखा है, इसलिए जो कोण हमारा 70 डिग्री है जी भी हमारा क्या होगा, 70 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। ठीक है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, इसलिए कोण डी जी सी बराबर होगा कोण ए बी सी के, दोनों क्या होंगे 70 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है और एबीसी 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोण ई निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समानांतर रेखाएं कौन सी होंगी हमारी, बीसी और ईएफ, ये दोनों हमारी कौन सी होंगी, समानांतर रेखा, और उसके ऊपर जो ईडी है ये एक त्रिछेदी रेखा है। ठीक है, इसलिए जो हमारा 70 डिग्री हमारा जी निकला था, तो ई भी हमारा 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी हमारा संगत कोण बन रहा है। ठीक है, क्योंकि BC समानांतर है EF के और ED उसके ऊपर त्रिछेदी रेखा है, इसलिए कोण DEF बराबर है DGC के 70 डिग्री संगत कोण। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रश्न पांच हो गया, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न छह करेंगे। थैंक यू।